नमस्कार, गुड मॉर्निंग रांची में आपका स्वागत है। मैं हूं तनुप्रिया और मैं उर्वशी। और बजटिंग की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं 5 मिनट में 50 बड़ी खबरों पर। जन आशीर्वाद यात्रा का आज तीसरा दिन है। सीएम रघुदास आज पाकुड़ में दोपहर 1 बजे तक 3 सभा को संबोधित करेंगे। पाकुड़ के बाद जन आशीर्वाद यात्रा साहिबगंज में प्रवेश करेगी। सीएम 3 जगहों पर जनसभा को संबोधित करेंगे। पलामू में आज एमएम की बदलाव यात्रा होगी। कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र देंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव आज दिल्ली रवाना होंगे। कल AICC की बैठक में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दुमका में सभा को संबोधित करते हुए जेएमएम पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि सोरेन परिवार ने CNT एक्ट का उल्लंघन किया है। शिकारी पारा जाने के क्रम में कुसुमजी के मिलियम स्कूल में मुख्यमंत्री ने दिखाई दरिया दिली। बीमार महिला के इलाज के लिए गोल्डन कार्ड बनाने का दिया निर्देश। जेपी नड्डा ने चाईबासा में शक्ति केंद्र और बूथ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित किया। कहा डबल इंजन की सरकार में झारखंड में तेजी से हो रहा विकास। पलामू प्रमंडल से जेएमएम ने बदलाव यात्रा के चौथे चरण की शुरुआत की। गढ़वा के टाउन हॉल मैदान में हेमंत सोरेन बदलाव यात्रा सभा को संबोधित किया। हेमंत सोरेन ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। सोरेन ने कहा कि रघुवर सरकार हर मोर्चे पर विफल है। युवा बेरोजगार है, किसान बदहाल है। 25 सितंबर को जेवीएम जनादेश समागम के जरिए अपना चुनावी आगाज करेगी। बाबूलाल मरांडी लोगों से कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की। रांची के अपर बाजार के कारोबारियों ने सभी दुकानें बंद कर विरोध प्रदर्शन के। व्यवसायी वन वे ट्रैफिक सिस्टम का जोरदार विरोध कर रहे थे। कोडरमा में जल शक्ति अभियान के तहत 2 दिनों की कार्यशाला का आयोजन हुआ। अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की DC रमेश घोलप की अपील। कोडरमा में जल शक्ति अभियान के जरिए खेत का पानी खेत में जमा करने की मुहिम। प्रशासन ने जल संरक्षण के लिए स्लोगन को सार्थक करने की अपील की। रांची में झारखंड कैटरर एसोसिएशन की वार्षिक बैठक हुई। 26 सितंबर को राज्य भर के कैटरर डे बनाने का ऐलान हुआ। अध्यक्ष कमल अग्रवाल ने सभा को संबोधित किया। कैटरर्स एसोसिएशन जल्द ही अपनी समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन से मुलाकात करेगा। आम सभा में तमाम जिलों से प्रतिनिधि पहुंचे थे। बोकारो में प्रदूषण मुक्ति के लिए प्रशासन की अच्छी पहल। DC ने 1 दिन जिले के अधिकारियों को साइकिल का उपयोग करने की दी सलाह। जमशेदपुर पुलिस ने वाहनों में लूटपाट करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से लूट के सामान बरामद। रांची के चानो थाना क्षेत्र में एक बस ने अधैर को रौंद डाला। मृतक की पहचान जोना निवासी ज्वालिस बांडो के रूप में हुई। जमशेदपुर में अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां अग्रवाल समाज को विधानसभा की 8 सीट देने की मांग रखी गई। हजारीबाग के चंपारण में कार से भारी मात्रा में अवैध देशी शराब जब्त किया गया। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार दोनों युवक बिहार का रहने वाला है। जामतारा की आंगनबाड़ी सेविका मानदेय की मांग को लेकर सड़कों पर उतरी और रघुवर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सेविकाओं ने पीएम मोदी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। गिडे पुलिस ने चिचरिया जंगल से कृष्णा हांसदा और रणविजय महतो के दस्ते के सदस्य हाज को नक्सली घुमा सोरेन उर्फ राजेश को गिरफ्तार किया। रांची के रिम्स के दीक्षांत समारोह में 450 छात्रों को डिग्री प्रदान की गई, यानी 64 छात्रों को गोल्ड मेडल दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू मौजूद रही। स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी और RU कुलपति रमेश पांडे ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। गिरडी में 23 सितंबर को पूर्व सांसद विनोद बिहारी महतो की जयंती पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में गिरडी सांसद जयंत प्रकाश चौधरी मुख्य रूप से मौजूद रहेंगे। लातेहार में जिला खनन टास्क फोर्स ने छापेमारी की। टोरी शिवपुरी रेलवे में स्थित बालूमाथ कुसमाई और फलबसिया कोल साइडिंग में छापा मारा गया। खनन टास्क फोर्स ने मौके से अवैध मिट्टी उत्खनन करते हुए 1 पोकलेन समेत 4 हाईवे जब्त किया। कार्रवाई से कोल व्यवसायियों में हड़कंप है। रांची के रिम्स में दीक्षांत समारोह में 450 छात्रों को डिग्री प्रदान की गई, वहीं 64 छात्रों को गोल्ड मेडल दिया गया। समारोह में स्टूडेंट्स और टीचर ट्रेडिशनल ड्रेस में नजर आए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू रही। स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी और RU कुलपति रमेश पांडे ने भी कार्यक्रम में शिरकत की।